कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया और कर्जा आज हो गया 4.5 लाख करोड़ रुपए को कर्जा पार कर गया। देश में नंबर एक अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर एक बना। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिड़ा जीवन उच्चा पद्धर किमें चक सकते हैं, ये साड़ियाँ प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तो यकीन रखियो, मैं थोड़ा यकीन कदे टुटन नहीं दूंगा। नया काम इस सरकार ने किया है, खेल खिलाड़ियों का ये हरियाणा था जहाँ दूध दही का खाना था, आज वही हरियाणा नशे में देश में नंबर एक बनाने का काम अगर किया है तो इस खट्टर सरकार ने। कड़ाके की ठंड है, हरियाणा में पारा शून्य के करीब है, लेकिन राजनीतिक पारा हाई है। चुनावी साल आते ही कांग्रेस भी फॉर्म में है और संडे टू संडे जन आक्रोश रैली की जा रही है। आज हरियाणा कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र में हल्ला बोला और जन आक्रोश रैली से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह समेत कई दिग्गज नेता शरीक हुए। वहीं उदयभान ने कड़ाके की ठंड के बावजूद रैली संयोजक अशोक अरोड़ा की पीठ थपथपाई। मंच से संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। उन्होंने कहा कि आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश है। रोजगार निगम बनाया है एक, उसमें कच्ची नौकरियां और उसमें क्या करते हैं, सरकार कमीशन ले रही है, कमीशन ले रही है तनख्वाह, जिसको तनख्वाह 5,000 देंगे 7,000 उसमें भी 1% कमीशन लेते हैं। ऐसा भद्दा मजाक, ये 6 महीने में बाहर भेज देंगे ना किसी की पेंशन ना। इसी तरह अग्निपथ की बात जैसे करी, फौज में भी यही तमाशा। अरे 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल का वापिस आ जाएगा, 21 साल से पहले उसकी शादी नहीं हो सकती, और जब होगी तो क्या होगा भाई, कोई सगाई लेने वाला भी नहीं आओगा, अगले साल तो घर आ जाएगा, उसकी ना पेंशन ना नौकरी। तो ये परिस्थिति हो रही है युवाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों को। आज देखो, आज ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि आज हरियाणा पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश बना हुआ है हमारी बहन बेटियों के लिए, असुरक्षित प्रदेश। तो ये स्थिति है, तो आज हमारे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में जो आज इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में अशोक अरोड़ा जी और साथियों ने जो ये काम किया, आज इसका कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, ये तो बड़ी रैली कर दी। तो ये एक संकेत है, एक संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये एक संकेत। मैं आपका आभारी हूँ। हुड्डा के संबोधन से पहले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी से लेकर नशे तक हरियाणा को नंबर एक का तमगा पहना दिया। दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार विफल होने की बात कही। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने तो भाजपा की विकास यात्रा को भी ढकोसला बता दिया। और परिवर्तन प्रदेश में इसलिए जरूरी है कि 10 साल की ये जो सरकार, खट्टर सरकार, प्रदेश में ऐसी विफल सरकार साबित हुई है जिसने हर मामले में प्रदेश को पटरी से उतारने का काम किया है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश की इस सरकार ने जो पहचान थी, उस पहचान को भी धूमिल करने का काम किया है। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश देश में विकास के मामले में जाना जाता था, आपस में भाईचारे के लिए मशहूर था, खुशहाली के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए, आपसी प्यार प्रेम भाईचारे के लिए देश में नंबर एक पे आता था, आज वो प्रदेश खट्टर सरकार में विकास में तो पिछड़ गया, विकास दर में 17वें नंबर पे है। देश में नंबर एक अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर एक बनाने का काम इस सरकार ने किया है। खेल खिलाड़ियों का ये हरियाणा था जहां दूध दही का खाना था, आज वही हरियाणा नशे में देश में नंबर एक बनाने का काम अगर किया है तो
तो इस खट्टर सरकार ने नशे में नंबर एक आज हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार। आज पूरे देश में पलायन में घर बार गिरवी रख के घर खेत बेचकर अगर विदेश की तरफ अपना भविष्य कहीं नौजवान किसी एक प्रदेश का, वो भी अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों से अगर कोई विदेश के अंदर अपना भविष्य कोई खोज रहा है पूरे देश में, तो हरियाणा का नौजवान खोज रहा है। आज हरियाणा के नौजवान को चौराहे पे लाने का काम, बेरोजगारी की गर्त में लेके जाने का काम किया है तो आज इस सरकार ने किया है। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का कल भाषण आ रहा था, कह रहे थे कि राम राज ऐसा होना चाहिए, राम राज में जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले। भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रति लोगों में बहुत ही आक्रोश और गुस्सा है। आज जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि कोई कनाडा के लिए इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोई इंग्लैंड के लिए, कोई कहीं के लिए। यहाँ का जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो विदेशों के अंदर क्यों भाग रहा है? आज बेरोजगारी की दर क्या कारण है कि हरियाणा हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर एक है, महंगाई में नंबर एक है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि जब हुड्डा साहब का राज था तो डीजल सबसे सस्ता हरियाणा में मिलता था, आज डीजल सबसे महंगा हरियाणा में मिलता है। हुड्डा साहब 9% वैट लेते थे, खट्टर सरकार दुगना 18% वैट लेती है। इसके पीछे क्या कारण है ये आपको देखना पड़ेगा। हुड्डा साहब के समय में और अब के समय में तुलना देखनी पड़ेगी। जब से हरियाणा बना 2014 तक 48 साल में 70,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में हुआ था। हुड्डा साहब ने 43,000 करोड़ रुपए बिजली के कारखानों पर लगाने का काम किया था। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया और कर्जा आज हो गया 4.5 लाख करोड़ रुपए को कर्जा पार कर गया। भले ही कांग्रेस की जन आक्रोश रैली आज कुरुक्षेत्र में सफल हुई, मगर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर हो चुकी है, जिसके मद्देनजर आज कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश की चुनाव कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, अनुशासन कमेटी व मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा कर दी है। इसको लेकर सूचना जारी कर दी गई है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।